एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमाया, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको झंडू ब्रांड के याष्टी मधु चूर्ण के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये चूर्ण आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देता है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस झंडू ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में इनके प्रोडक्टों की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। ये गाइस अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है जो कि केमिकल फ्री होते हैं, उस वजह से इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के इनके प्रोडक्टों को परचेज कर लेते हैं। ये गाइस न केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है बल्कि आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्टों का भी निर्माण करता है। आधे से ज़्यादा मार्केट इसने अपने प्रोडक्टों से घेरा हुआ है। काफ़ी सस्ते अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाता है और लोग बाग इस ब्रांड से बहुत अच्छे से अवगत भी हैं। इससे पहले कि कई वीडियो में मैंने आपको इस ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू किया है, तो चलिए गाइस आज अपन इसी ब्रांड के याष्टी मधु चूर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाइस जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक दवा है जिसको झंडू ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये औषधि मार्केट में आपको पाउडर फॉर्म में मिलती है, जिसका उपयोग आपके कफ, खांसी, जुकाम या फिर गले में खराश जैसी समस्या से राहत पाने में किया जाता है। गाइस अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कफ आता हो या फिर आपको खांसी हो रही हो, गले में खराश हो, गला बैठ गया हो, तो उस स्थिति में आप याष्टी मधु चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके गले की खराश को दूर करने में मदद करता है और आपके गले को एकदम ठीक करने का काम करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधि तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि आपके गले की खराश, कफ, खांसी, जुकाम जैसी समस्या से आपको राहत देते हैं। इसके अंदर मुख्य इंग्रेडिएंट इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, याष्टी मधु, यानी कि इसके अंदर याष्टी प्रेजेंट होता है, मुलेटी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके गले की खराश को, कफ, खांसी जैसी समस्या को दूर करती है। इसको किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके गाइस अगर आपके कफ, खांसी या फिर गले में खराश है, तो आप इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा लेकर के इसको 2 से 3 ग्राम मात्रा में इसका सेवन करना है पाउडर का, या फिर आप डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हैं कि आपको इसको किस तरीके से लेना है, किस तरीके से नहीं लेना। गाइस इस चूर्ण को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन न करें, चाहे वो होम्योपैथिक दवाई हो या फिर एलोपैथिक। हालांकि गाइस आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन ना करें। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन झंडू की साइट पर जाके, या फिर आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे, सस्ता, अफोर्डेबल लगे, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो गाइस आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी शेयर की हुई है, अगर आप अमेज़न से परचेज करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सस्ते और अच्छे दामों में लेना चाहते हैं, या फिर आपको मार्केट में ये मिल ही नहीं रही है, तो उस लिंक पर जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। पर याद रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना सेवन ना करें, ना खुराक से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। प्राइस अफोर्डेबल है गाइज, अगर आपके कफ, खांसी, जुकाम या फिर आपके बहुत ही ज़्यादा कफ आता हो, गले में खराश हो, गला बैठ गया हो, तो उस स्थिति में आप याष्टी मधु चूर्ण का इस्तेमाल करें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइज अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। पर याद रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।